आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, घर में पढ़ाई कर रहे हैं बैठ के। तो यार ये वीडियो आप लोगों के लिए है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, 2020 में नीट एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, मोशन इन टू डायमेंशन का। ठीक है, तो मोशन इन टू डायमेंशन क्या होता है मैं एक बार बता देता हूँ। ठीक है, अभी घर में बैठे हुए हैं तो एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। ये आपकी दीवार है, ठीक है, इस दीवार पे आपको छिपकली नजर आ रही होगी। ठीक है, छिपकली नजर आ रही होगी, इस दीवार पे मूव कर रही है। ये दीवार जो है एक प्लेन है। ठीक है, दीवार क्या है, एक प्लेन है। तो प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसे क्या बोलते हैं, मोशन इन टू डायमेंशन। बस इतना समझ लो, मोशन इन टू डायमेंशन आपको समझ में आ जाएगा। वन डायमेंशन क्या है मैं पहले ही बता चुका हूं, सवाल उसके करवा चुका हूं। अब जो बच्चे नीट एग्जाम में अपियर होते हैं, जो बच्चे मैथ्स नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ बायो से होते हैं, उन बच्चों के लिए इस चैप्टर का सबसे कठिन पार्ट होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि इस वीडियो के बनने से पहले तक होगा। ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो प्रोजेक्टाइल विल नो मोर बी अ टफ टॉपिक फॉर यू गाइस। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ। सवाल करवाने वाला हूँ प्रोजेक्टाइल के, बहुत अच्छे अच्छे, और डेफिनेटली अप्रोचेस बताने वाला हूँ जो किसी भी सवाल को, चाहे आप नीट का क्वेश्चन लो, चाहे जेई मेन का लो, चाहे जेई एडवांस का लो, कोई भी पेपर का कोई भी सवाल उठा लेना, सवाल हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं थोड़ी सी चीट शीट के बारे में बात कर लेता हूँ। चीट शीट क्या है कि मतलब जो चीज़ें मैं काम लेने वाला हूँ वो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, मतलब कि बल्लेबाज जा रहा है बैटिंग करने के लिए और उसे थोड़ा बताया जा रहा है कि भाई देखो पिच पे ऐसे स्विंग होने वाली है बॉल, ऐसे इतना स्पिन होगी, इतना इतना हवा चल रही है, उस टाइप की चीज़ें। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल के बारे में भी चलो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अभी आप घर पे बैठे हुए हो, घर पे बैठ के अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, शैतानी कर रहे हो, तो यहाँ से आपकी मम्मी की उड़ती हुई चप्पल आएगी आपके पास में, और ये चप्पल का जो पाथ होगा ना, ये चप्पल का जो पाथ है, ये पाथ, इसे ही हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ में आ गया? मतलब क्या है, मतलब मेरा ये है कि सिर्फ चप्पल ही प्रोजेक्टाइल नहीं बनाएगी, मतलब ये है कि कोई भी पार्टिकल जिसे मैं हॉरिजॉन्टल के साथ, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे वेलोसिटी दे दूं, ठीक है, कितनी भी वेलोसिटी दे दूं, तो वो कुछ इस तरह का पाथ ट्रेवल करता है और इस पाथ को बोलते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, इस ट्रेजेक्टरी को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। ये तो समझ में आ गया। अब प्रोजेक्टाइल में क्या पूछा जा सकता है, मान लो भाई कोई पार्टिकल है, ऐसे फेंक दिया, ये लो यहां से t=0 पे मैंने फेंकना स्टार्ट किया, ऐसे फेंका और यहां जाके गिर गया, तो मुझसे पूछा जा सकता है कि जहां से फेंका और जहां पे जाके गिरा उन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी बताओ, जिसे हम बोलते हैं रेंज। तो रेंज कितनी होती है, u स्क्वायर। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि t=0 पे जिस वेलोसिटी से फेंका गया वो वेलोसिटी। साइन 2 थीटा, थीटा क्या है, जिस एंगल पे फेंका गया हॉरिजॉन्टल के साथ वो एंगल, अपॉन g। अब ये ux uy क्या है, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ जिससे आप कभी भी किसी सवाल में नहीं अटकोगे। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, के भाई जब भी टू डायमेंशन मोशन का सवाल आए, 2D मोशन का जब भी सवाल आपसे पूछा जाए, आप लोग क्या करेंगे, डिवाइड मोशन इनटू टू पार्ट, डिवाइड मोशन इनटू टू पार्ट्स। अब वो टू पार्ट्स कौन से होंगे, अब एक्स में करो, वाई में करो, वाई में जेड में करो, एक्स में जेड में करो, या फिर आपको कोई चौथी डायमेंशन पता है तो उसमें करो, जिसमें मर्जी उसमें डिवाइड करो, लेकिन दो पार्ट में डिवाइड करो बच्चों, कोई भी सवाल गलत नहीं होगा और कोई भी सवाल डिफिकल्ट नहीं लगेगा, इतना आपको याद रखना है बस। दो डायमेंशन में डिवाइड कर दो। अब दो डायमेंशन में डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, देख समझा देता हूं अभी क्या होगा। ये जो u वेलोसिटी से मैंने फेंका है, इसकी x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u cos थीटा, और y में कितनी हो जाएगी, u sin थीटा। ठीक है, तो मैं भाई इसको लिख सकता हूं ना, r बराबर u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g को क्या लिख सकता हूं, u स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं ना u sin थीटा u cos थीटा। ठीक है, u स्क्वायर sin 2 थीटा को इनटू 2 ये लिख सकता हूं, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा वो बनता है साइन 2 थीटा, यानी कि साइन 2 थीटा की जगह मैंने लिख दिया ये 2, ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा, और यू स्क्वायर की जगह यू इंटू यू लिख दिया। ठीक है, तो यू साइन थीटा क्या है, यू वाई, देखो ना वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी, यू कॉस थीटा क्या है, यू एक्स, एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी, तो इसको हम यू एक्स यू वाई अपॉन जी भी लिख सकते हैं। अब दूसरी चीज जो मुझे पूछी जा सकती है वो ये है कि मैक्सिमम हाइट कोई भी प्रोजेक्टाइल कितनी जाएगा वो बता दो। अब मैक्सिमम हाइट की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। मैक्सिमम हाइट पे क्या होती है, वाई कॉम्पोनेंट की जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ वाई,
मतलब वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, एट मैक्सिमम हाइट जो वेलोसिटी होती है वाई डायरेक्शन में वो होती है जीरो, याद रख लेना। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं होती है हाईएस्ट पॉइंट पे, सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में होती है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है, बहुत आसान चीज है, याद रखोगे सवाल नहीं रुकेगा। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन टू थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी टू जी। ठीक, अब यू साइन थीटा तो मुझे पता है यू वाई है, इनिशियल वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, तो यू वाई स्क्वायर अपॉन टू जी लिख दिया। अब मुझे ये तीसरी चीज पूछी जा सकती है कि यहां से जब फेंका गया तो कितने टाइम में वो वापस उसी धरातल में आ गया, उसी रेफरेंस प्लेन में, उसी रेफरेंस रेफरेंस पे आ गया। तो वो टाइम होता है टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, यानी कि यहां से और यहां तक कितनी देर में नीचे आके गिरा, तो उसे बोलते हैं टू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो टू एज इट इज, यू साइन थीटा अगेन यू वाई होता है, वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी अपॉन जी लिख दिया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट चीजें थी जो इस टेबल के थ्रू मैंने आपको समझा दी हैं। अब मुझे लगता है कि पहले सवाल पे हमें चल देना चाहिए, चल देते हैं भाई। देखो भाई, पहला सवाल जो है नीट 2017 परीक्षा का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है समझा देता हूँ। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम, एक्स बराबर दिस एंड वाई बराबर दिस, मतलब कि टाइम के साथ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, टी की वैल्यू जब रखोगे तो एक्स चेंज हो जाएगा और वाई भी चेंज हो रहा है, टी की वैल्यू रखोगे तो वाई भी चेंज हो जाएगा। एक्स एंड वाई आर इन मीटर एंड टाइम इन सेकेंड, तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पूछा गया है। ठीक है जी, बता देते हैं क्या होता है। अब मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इन तीनों का जब भी कोई फंक्शन दिया हो, मतलब कि तीनों में से कोई भी किसी का भी फंक्शन दिया हो, टाइम का, डिस्प्लेसमेंट का, कैसा भी फंक्शन दिया हो, तो क्या आपको रिलेशन पता है? जी बिल्कुल पता है, ये तो मैंने मोशन इन वन डायमेंशन में ही बता दिया था कि वेलोसिटी जो होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन, और एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो मतलब मुझे एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो क्या मुझे पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी? बिल्कुल निकालनी पड़ेगी। अब ये दो डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी भी दो डायरेक्शन में आएगी इसकी। ठीक है, तो वेलोसिटी दो डायरेक्शन में आएगी, तो वी एक्स जो होगा वो क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी, और वी वाई जो होगा वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी वो होगा डी वाई बाई डी टी। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। चलो जी, अब वी एक्स जो है वो क्या होगा, देखो एक्स बराबर कितना है, लिख देता हूँ एक्स और वाई भी। एक्स बराबर है 5t - 2t² और वाई बराबर कितना है 10t। ठीक है, तो अगर मैं x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास वेलोसिटी इन x डायरेक्शन आ जाएगी, तो करो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 5 - 4t। डिफरेंशिएशन तो आता है ना, कैसे करते हैं। अब vy जो है, vy कितना हो जाएगा, vy होगा y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होगा 10। ठीक है, t से 10t का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा सिंपली। अब अगर मुझे एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, v का डिफरेंशिएशन करूंगा dvx/dt, और अगर मुझे एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन निकालना है तो मैं y डायरेक्शन के वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करूंगा। तो कर देते हैं, आ जाएगा ax, ax कितना आ गया, ax आ गया, देखो इसका डिफरेंशिएशन करो, 5 का 0 और 4t का 4, तो आ गया -4। ठीक है, एक्सेलेशन इन वाई डायरेक्शन कितना आ गया, एक्सेलेशन इन वाई डायरेक्शन आ गया 10 का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो भैया एक्सेलेशन वेक्टर जो बना वो बना -4i, एक्स डायरेक्शन में कितना आ रहा है, -4 आ रहा है, तो यार -4i + 0j, यानी कि मैं लिख सकता हूँ एक्सेलेशन जो है पार्टिकल का वो है -4i में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो -4 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दो बार आ चुका है, देखो AIPMT में आया था 91 में, नीट में आया 2016 में। वैसे तो ये क्वेश्चन बिलोंग करता है वेक्टर्स को, लेकिन मैंने इसको ले लिया क्योंकि दो बार रिपीट हो चुका है, तो अच्छा खासा क्वेश्चन होगा, बच्चे गलती करके आते होंगे, इसीलिए जो अब NTA पेपर बना रहा है आपका वो सोचेगा कि ठीक है इस टाइप के क्वेश्चन दे देने चाहिए, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन गलती करते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वैक्टर is equal to magnitude of difference of the two vector. तो angle between these two vector बताना है। मतलब क्या है कि कोई vector है A plus कोई vector है B। यहीं पे vector खत्म करवा देता हूँ मैं आपका। इसका magnitude जो है ना वो बराबर है magnitude of difference of two vector। ठीक है जी, समझ में आ गया मुझे ये बात। अब मैंने आपको ये चीज बताई हुई है, अगर आपको पता हो vectors में या फिर आपने कोई JEE की मेरी वीडियो देखी हो वहां पे मैंने बताया हुआ आपको कि let's say ये A vector है। क्या है ये भैया, ए वेक्टर है, ये कोई बी वेक्टर है। ठीक है, ये कोई बी वेक्टर है, इन दोनों का सम जो आएगा
वो आएगा कहीं बीच में, ठीक है। ये हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। ये हम थ्योरम से भी निकालते हैं इस तरह से, ठीक है। अब ये तो हो गया ए और बी। अगर मुझे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिखना है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं एक काम करता हूँ, क्या काम करता हूँ, मैं एक काम ऐसा करता हूँ कि ए वेक्टर मैं जोड़ देता हूँ किसको, माइनस बी वेक्टर को। तो भी तो यही है, देखो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मतलब क्या है कि ए वेक्टर में आप ऐड कर दो माइनस बी वेक्टर। अब ये आसान क्यों है, क्योंकि ए वेक्टर तो ये रहा, ठीक है, बी वेक्टर था यहाँ पे, तो माइनस बी कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात। अब एक बात सुनो, ए और बी के बीच का एंगल था थीटा, तो ए ये माइनस बी है, ये ए है, ये एंगल था थीटा, तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 माइनस थीटा, क्योंकि भाई बी और माइनस बी के बीच का एंगल तो 180 रहेगा ना, ठीक है। तो ऐसा है, यानी कि अगर मैं लिखना चाहूं, क्या लिखना चाहूं, देखो बच्चों ध्यान से सीखो, अगर मैं लिखना चाहूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैं क्या लिखता हूं, अंडर रूट ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab इनटू दोनों के बीच का एंगल, जो कि है थीटा, तो उसका कॉस थीटा लिख दिया। दोनों के बीच का एंगल क्या है, ए और बी के बीच का थीटा है, तो कॉस थीटा लिख दिया। अब अगर मैं ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा पहले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 times पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल। देखो माइनस बी इधर है और प्लस ए इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180, तो कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक है, 180 माइनस थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब सवाल में मुझे क्या बोला गया है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, तो कर देते हैं भाई दोनों को बराबर, क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस बाहर निकाल रहा हूँ, माइनस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों लिखा है, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है, बस यहाँ पे इसकी जगह माइनस कॉस थीटा रख देना, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर कर लो आराम से, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मैग्नीट्यूड कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचा 4ab कॉस थीटा बराबर 0, ये माइनस 2ab कॉस थीटा ने इसको इधर ले आया था, 4ab कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अगर ये 0 हो गया है तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि देखो 4 तो कांस्टेंट है, 0 नहीं हो सकता, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 नहीं हो सकता, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0, कॉस थीटा को 0 होना पड़ेगा, कॉस थीटा 0 कहां पे होता है, थीटा बराबर पाई बाई 2 पे, यानी कि 90 डिग्री पे होता है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों के बीच का एंगल जो है 90 होना चाहिए। अब इसका देखो फिजिकल सिग्निफिकेंस दिखाता हूं बच्चों, मजा आता है तब चीजों को सीखने में जब हमें चीजें नजर आती हैं। ये देखो ये है वेक्टर ए, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर एक और मैं वेक्टर बना देता हूँ बी, ठीक है, ये बना दिया परपेंडिकुलर वेक्टर बी, ठीक है भाई साहब, बना दिया बी, ठीक, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड यानी कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। अब देखो ये है एक और वेक्टर, समझना बात को, मजा तभी आएगा जिसको वेक्टर का रिजल्ट पता होता है ना, वो तो इस सवाल को चुटकी में कर देता है, इतना सब जाता ही नहीं, वो तो बोल देता है 90 डिग्री पे हो गया ऐसा, बस ठीक है। ये है वेक्टर अगेन ए है, सेम लेंथ और सेम डायरेक्शन, ये वेक्टर है माइनस बी, ठीक है, माइनस बी है ना, माइनस बी क्यों है, क्योंकि भाई बी ऊपर है तो माइनस बी नीचे होगा, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल कितना, 90, इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो जब ए और बी 90 डिग्री पे हैं, ठीक है, तो उनका एडिशन जो होता है, एडिशन अगर मैं कर रहा हूं तो रिजल्टेंट आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, और ए और बी 90 डिग्री पे हैं, है ना, तो उनका जो डिफरेंस है, क्योंकि ए प्लस माइनस बी हो गया ये, यानी कि ए माइनस बी लिख सकता हूं इसको, यानी कि ए और बी का जो डिफरेंस है
90 डिग्री पे, वो भी आता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है ना, एडिशन का और डिफरेंस का 90 डिग्री पे, ठीक है। तो भाई ये रिजल्ट भी है, याद रखना है, तो ऑप्शन देख लेते हैं भैया, 90 डिग्री ऑप्शन इज करेक्ट है। अब अपन आ गए हैं प्रोजेक्टाइल के सवालों की तरफ, अब प्रोजेक्टाइल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो देखो AIPMT में 2014 में पूछा गया सवाल है, सवाल क्या है कि प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक। अनदर प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम अनदर प्लैनेट विद अ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड एट सेम एंगल फॉलोज अ ट्रैजेक्टरी व्हिच इज आइडेंटिकल विद द ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट पूछा गया है। देखो भाई मेरी बात सुनो, ये अर्थ है, ठीक है, मैं दो प्लैनेट की बात कर रहा हूँ, ऊपर अर्थ की बात कर रहा हूँ, नीचे किसी भी प्लैनेट की बात कर लूंगा, ठीक है। तो अर्थ पे क्या हुआ, अर्थ पे अपन ने यहां से एक पार्टिकल को फेंका, ठीक, पार्टिकल को फेंका कितनी स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड से और थीटा एंगल पे, तो उसने कुछ ऐसा पार्ट ट्रेस किया, ठीक है। अब दूसरे प्लैनेट पे क्या होता है, दूसरे प्लैनेट पे ना अगर मैं 3 मीटर पर सेकंड से और सेम एंगल पे फेंकूं तो सेम पाथ ट्रेस होता है। मतलब कि सेम पाथ का मतलब क्या है, इसकी जितनी दूरी है उतनी दूरी ये ट्रेवल करेगा, जितनी इसकी हाइट है उतनी हाइट ये ट्रेवल करेगा। मतलब कि इस वाले प्लैनेट पे, अर्थ पे अगर 5 मीटर पर सेकंड से थीटा एंगल पे फेंकने पे जो ट्रेवल कर रहा है ना पाथ, जो पाथ ट्रेवल कर रहा है, जो पाथ ट्रेस कर रहा है पार्टिकल, वो ही किसी दूसरे प्लैनेट पे 3 मीटर पर सेकंड से थीटा एंगल पे कर रहा है। मतलब क्या है कि यहाँ की रेंज जो है वो बराबर है यहाँ की रेंज के। अब यहाँ की रेंज क्या होगी, अर्थ की रेंज, तो आर ई लिख देता हूँ और वो बराबर होगी आर पी के, क्योंकि आइडेंटिकल है। आप हाइट भी लिख सकते हो, एच पी जो होगा वो एच ई के बराबर होगा, सब कुछ प्रॉपर आइडेंटिकल है सब कुछ, ठीक। तो रेंज ऑन अर्थ जो है रेंज ऑन प्लैनेट के बराबर है क्योंकि आइडेंटिकल है सब कुछ भाई, ऐसा सवाल में लिखा हुआ है, ठीक है, के ट्रेजेक्ट्री विच इज आइडेंटिकल, ठीक है, इस चीज पर ध्यान देना है, मतलब कि सब कुछ सेम है। तो अर्थ पे रेंज कितनी होती है, यू अर्थ का स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लैनेट पे जिस स्पीड से फेंका एंगल सेम है तो साइन 2 थीटा ही लिखूंगा अपॉन जी डैश। जी डैश क्या है कि इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि इसकी ग्रेविटी का एक्सेलरेशन, ठीक है। साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा कैंसिल आउट हुआ, जी डैश जो आया वो आया प्लैनेट पे जिस स्पीड से फेंका उसका स्क्वायर इंटू अर्थ का ग्रेविटेशन अपॉन अर्थ पे जिस स्पीड से फेंका उसका स्क्वायर। प्लैनेट पे किस स्पीड से फेंका, 3 से, तो 3 का स्क्वायर इंटू अर्थ का ग्रेविटेशन सवाल में दिया हुआ है 9.8 है डिवाइडेड बाय, अर्थ पे किस स्पीड से फेंका था 5 मीटर पर सेकंड से, तो उसका स्क्वायर कर दिया 9/25 × 9.8, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 2/5, ऑलमोस्ट लगभग 18/5, मतलब 3.5 आंसर इसका। तो यहाँ पे इस प्लैनेट पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर। अब देखो भाई अगला सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स वाई आर 2 मीटर एंड 3 मीटर एट टाइम टी इक्वल्स टू 0, 6 मीटर एंड 7 मीटर एट टाइम टी इक्वल्स टू 2 सेकंड एंड 13 मीटर एंड 14 मीटर एट टाइम इक्वल्स टू 5 सेकंड। अब एवरेज वेलोसिटी वेक्टर बताना है टी इक्वल्स टू 0 से और 5 के बीच में, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज जो होती है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हुआ मेंट डिवाइडेड बाय, अरे यार डिस्प्लेसमेंट लिखता हूं मैं पहले ढंग से, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा, ठीक है। अब यार एक चीज समझने की कोशिश करो, ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है अपने, आपको दिख नहीं रहा है लेकिन दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है, अगर मैं टी इज इक्वल टू 0 पे लिखना चाहूं, क्या लिखना चाहूं, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट को क्या लिख सकता हूँ मैं, वो लिख सकता हूँ मैं यहाँ से 2i कैप + 3j कैप, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है, 2 मीटर 3 मीटर पे, मतलब कि x डायरेक्शन में 2 मीटर पे और y डायरेक्शन में 3 मीटर पे, यानी कि यहाँ कहीं रखा हुआ है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 2i कैप + 3j कैप, ठीक है। t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे जो है वो क्या लिख सकता हूँ मैं, इसके कोऑर्डिनेट वो लिख सकता हूँ मैं 13 मीटर और 14 मीटर, यानी कि 13i कैप + 14j कैप। दो सेकंड पे मुझे कोई मतलब ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट देखना है कि फाइनली पार्टिकल t = 0 पे जहां था
और t इक्वल्स टू 5 सेकंड पे जहां है, ठीक है, उन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है। तो मुझे पता चला है कि t इक्वल्स टू 5 सेकंड पे पार्टिकल कहीं यहां है, t इक्वल्स टू 0 सेकंड पे यहां था, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। तो r वेक्टर बोल दूं इसको, r वेक्टर क्या हो गया, ये r1 वेक्टर है, ये r2 वेक्टर है, NCERT में भी सेम डायग्राम ही बना हुआ है, तो r2 माइनस r1 r वेक्टर होता है। मतलब क्या है कि मैं समझाता हूँ, ठीक है, ऐसा भी खिचड़ी में पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो t इज इक्वल्स टू 5 सेकंड पे पार्टिकल यहाँ है, t इज इक्वल्स टू 0 पे यहाँ है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ कि 5 सेकंड पे जो पार्टिकल की पोजीशन है माइनस 0 पे जो पार्टिकल की पोजीशन है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है, 5 सेकंड माइनस 0, ठीक है। टोटल टाइम कितना है, 5 माइनस 0, 5 सेकंड पे पूछा हुआ है, 0 पे स्टार्ट हो रहा है, तो डायरेक्ट 5 भी लिख सकता हूँ ना। तो भाई देखो 5 सेकंड पे पार्टिकल कहाँ है, 13 आई कैप प्लस 14 जे कैप में माइनस, चलो इसको नीचे लिख के दिखाता हूँ, 5 सेकंड पे पार्टिकल कहाँ है, 5 सेकंड पे पार्टिकल है 13 डेल्टा एक्स है ये, ठीक है, डेल्टा एक्स है, इसको डेल्टा एक्स लिखता हूँ। 5 सेकंड पे पार्टिकल कहाँ है, अभी मैं लिख रहा हूँ एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर लिख रहा हूँ, क्या होगा वो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, देखो भाई 5 सेकंड पे कहाँ है पार्टिकल, यहाँ है, ठीक, माइनस 0 सेकंड पे कहाँ है, t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ है, 2 i कैप प्लस 3 j कैप, और टाइम कितना लगा उसको टोटल 0 से 5 सेकंड जाने में, 5 सेकंड लगा, तो 5 से डिवाइड कर दिया। भैया ये तो बन गया अपने पास में, i में से i घटाएंगे, j में से j घटाएंगे, तो 13 में से दोगे तो 11 i कैप, ठीक है, प्लस 14 में से 3 गए तो फिर से 11 j कैप अपॉन 5, ठीक है, 11 बटे 5 कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा अपने पास में 11 बटे 5 आई कैप प्लस जे कैप, ये क्या आ गया, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर आ गया। आसान था, कोई डिफिकल्ट तो नहीं था, तो 11 बटे 5 कहाँ है, आई कैप प्लस जे कैप, ये रेडी ऑप्शन, ये करेक्ट है। क्या किया मुझे, एवरेज वेलोसिटी निकालनी थी, मुझे पता है, क्या पता है मुझे कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होती है एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उनका रेशियो निकाल दो, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। तो t इज इक्वल्स टू 0 पे मुझे पता है पार्टिकल यहाँ है, t इज इक्वल्स टू 5 सेकंड पे यहाँ है, तो इसमें से इसे घटा दूं तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और टोटल टाइम कितना लगा 0 से 5 सेकंड जाने में, 5 सेकंड, तो दिस इज आवर आंसर, बस सिंपल था बिल्कुल। तो अब एक और सवाल करते हैं नीट 2013 परीक्षा का। देखो सवाल क्या है बच्चों कि वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इनिशियल पॉइंट ए इज दिस, ठीक है, वेलोसिटी एट पॉइंट बी पूछी हुई है। अब देखो यार कितना आसान सवाल है, इसको ना मैं आपको 5 सेकंड के अंदर सॉल्व करवा सकता हूँ, 5 सेकंड के अंदर, ठीक, लेकिन पहले क्या है थोड़ी तरकीब सीखते हैं कि ये 5 सेकंड में कैसे होगा सवाल। देखो एक्स डायरेक्शन में जो कॉम्पोनेंट है वो है 2, ठीक है, वाई डायरेक्शन में जो कॉम्पोनेंट है वेलोसिटी का, ये वेलोसिटी है ए पॉइंट पे, इधर फेंकी गई है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप से, इसका मतलब है एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है 2 और वाई डायरेक्शन में है 3, ठीक है, क्लियर है, यही तो है भाई, आई कैप का मतलब एक्स डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड है, वाई डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड है, ठीक है जी। अब वेलोसिटी एट पॉइंट बी पूछी गई है, पॉइंट बी पे वेलोसिटी है यहाँ, ठीक है, ठीक है जी, इसका मतलब इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में, क्योंकि जब वो टकराती है तो वहां पे उस टाइम पे इसी तरह से वेलोसिटी होती है, ठीक। अब मुझे पता है कि एक्स का कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ एक्स इट नेवर चेंजेस, प्रोजेक्टाइल में कभी भी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होती क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं होता है भाई, कहां से चेंज होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी होती है एक्स डायरेक्शन में, लेकिन वाई में चेंज होती है। तो देखो एक्स में तो इसका मतलब क्या है कि 2 थी और 2 ही रहेगी, ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट तो लिख दिया बी पे मैंने 2 आई कैप, 2 थी और 2 ही रहेगी, तो 2 आई कैप देखो यहां माइनस 2 है कट गया, यहां माइनस 2 है कट गया, यानी कि या तो ये हो सकता है आंसर या ये हो सकता है। अब ये तो वही वेक्टर है जो दिया हुआ है, समझ रहे हो, मतलब कि ऊपर की तरफ वाई डायरेक्शन में स्पीड है और एक्स डायरेक्शन में स्पीड है, तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप लिखा जाता है, इसका मतलब ये भी कैंसिल आउट होगा क्योंकि यहां तो नीचे की तरफ वेलोसिटी है और एक इधर की तरफ वेलोसिटी है, तो ऑब्वियसली सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरकीब को बोलते हैं कि एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस, एलिमिनेट कर दिए ऑप्शंस हमने तो सी ऑप्शन बच गया, वो आंसर रहा। लेकिन अगर मुझे ये नहीं करना होता तो मैं क्या करता,
तो मैं ये करता, देखो क्या करता, ये तो चलो ठीक है, आंसर आ गया अपना, ठीक है समझ में आ गया, एलिमिनेट हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे होते हैं कई सवाल नीट के एग्जाम में जो एलिमिनेट हो जाते हैं। लेकिन अगर मुझे एलिमिनेट नहीं करना होता तो मैं क्या करता, देखो ये है वेलोसिटी, क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप, ये है ए पॉइंट पे, ठीक है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में 2 है, वाई डायरेक्शन में 3 है। बी पॉइंट पे क्या होगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में तो कभी वेलोसिटी एक्स में चेंज ही नहीं होती, तो 2i कैप तो रहेगा। अब देखो अगर ये ऊपर की तरफ था +3, तो ये नीचे की तरफ आएगा +3, ठीक है, इस पॉइंट पे भाई एक्स का तो ऐसी एज इट इज रहेगा, वाई का क्या होगा, यहाँ पे -3 आएगा, तो -3j कैप आ गया। और -3 आएगा क्यों, क्योंकि देखो यार सीधी सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि यार ये हमें पता है कि यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल उड़ता है ना, वो वेलोसिटी जीरो कर लेता है अपनी मैक्सिमम पे, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक का जैसा पाथ होता है ना, वैसा पाथ इसका नीचे आते हुए यहाँ से यहाँ तक का होता है, जितनी स्पीड से फेंका गया था उतनी से यहाँ पे टकरा जाता है, यहाँ कॉम्पोनेंट होता है, यहाँ कॉम्पोनेंट होता है, ये आ गया बीच में रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होगी, 2i कैप -3j कैप, एक्स की कांस्टेंट रहेगी, वाई की रिवर्स हो गई, क्योंकि यहां ऊपर थी यहां नीचे हो गई, दैट्स इट। अब भाई जो अगला सवाल है वो कैसा सवाल है देख लेते हैं, बताते हैं कि हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, मतलब क्या है कि एक प्रोजेक्टाइल को मैंने फेंका यहां से, ठीक है, ये पूरी चीट शीट का काम है, चीट शीट दिखाऊं आपको, चीट शीट दिखाता हूं अभी थोड़ी देर में, ठीक है। चीट शीट में जितने फॉर्मूला थे ना, सारे वही यूज हो रहे हैं जो अपन ने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी, ठीक है। यहां पहुंचा प्रोजेक्टाइल, अब इसमें क्या बोला गया है कि आर है ना जो ये एच मैक्सिमम के बराबर है, एच मैक्स के बराबर क्या है, आर है, ठीक है, समझ में आ गया भैया। अब मुझे पूछा गया है कि किस एंगल पे इसे फेंका गया है, स्पीड मान लेता हूँ यू है, किस एंगल पे फेंका गया है, तो मुझे क्या बोला गया है कि आर जो है वो एच मैक्स के बराबर है, ऐसा सवाल में बोला गया है। अब रेंज क्या होती है, चीट शीट में बताया था u² sin 2θ / g, ये होती है रेंज। अब एच मैक्स क्या होती है, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट होती है u² sin²θ / 2g, यही होती है भैया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मुझे थीटा फाइंड करना है जिस थीटा पे रेंज और ये जो रेंज और हाइट मैक्सिमम ये बराबर हो जाए, ठीक है। चलो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर उड़ा दूं, जी से जी भी उड़ा दूं, ठीक है। साइन 2θ को क्या लिख सकता हूँ, 2 sin θ cos θ बराबर sin²θ / 2 बचा यहाँ पे भैया, साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल आउट, ये बचा 4 cos θ, इस 2 को इधर ले आया, 4 cos θ बराबर साइन थीटा, cos थीटा को इधर ले गया इसके नीचे, तो 4 बराबर आया sin θ / cos θ, यानी कि tan θ, tan θ बराबर आ गया 4, इसका मतलब थीटा कितना आ गया भैया, tan inverse 4, दैट इज योर आंसर। ऑप्शन देखो, टिक करो, मजे लो, ऑप्शन क्या है देखो, बी ऑप्शन, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 4, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब अगला जो सवाल है वो है अपनी CBSE AIPMT 2011 परीक्षा का, सब ये भी फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। सवाल में क्या कहा गया है कि मिसाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज, अब यहाँ पे इस वर्ड पे ध्यान देना, इसी के अराउंड खेलेंगे अब अपन, ठीक है, विद इनिशियल वेलोसिटी 20 m/s, जी की वैल्यू दे रखी है, तो रेंज ऑफ मिसाइल बतानी है। क्या सवाल में दिया गया है, क्या मुझे करना है, एक बार आइडिया ले लेते हैं भैया। ये रही अपनी हॉरिजॉन्टल और ये रही अपनी वर्टिकल लाइन, यहां से फेंक दिया मैंने यू स्पीड से इसको प्रोजेक्टाइल को, तो मैक्सिमम रेंज जाके गिरता है, मतलब कि आर मैक्स है। अब रेंज मैक्सिमम कब हो सकती है भाई, रेंज का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, u² sin²θ / g। अब इसमें u कांस्टेंट है, फेंक दिया एक बार, अब उसके बाद इनिशियल स्पीड तो चेंज नहीं हो सकती, फेंक दिया। g कांस्टेंट है, यानी कि अर्थ का ग्रेविटेशन चेंज नहीं हो सकता, चेंज हो सकता है सिर्फ ये, यानी कि इसको अगर मैं घटा बढ़ा दूं तो रेंज को मैक्सिमम किया जा सकता है। अब रेंज कब मैक्सिमम होगी, रेंज मैक्सिमम होगी जब sin²θ मैक्सिमम होगा। अब sin²θ मैक्सिमम कब होगा भाई, साइन का थीटा जो होता है, मतलब कि थीटा, 2θ, 3θ, जो भी है साइन के अंदर यहां पे जो भी होता है, वो ऐसा होना चाहिए कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, ये बात समझो आप, मिनिमम -1 और मैक्सिमम 1। साइन कहां से कहां चलता है, -1 से 1 में चलता है, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, और 1 कहां पे होती है, साइन 90 पे।
अब अगर साइन 90 पे 1 होगी तो साइन 2 थीटा बराबर साइन 90 होना चाहिए, यानी कि 2 थीटा बराबर 90 होना चाहिए। 2 थीटा बराबर कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। अगर 2 थीटा बराबर 90 है तो थीटा बराबर 45 डिग्री होना चाहिए। मतलब क्या है कि 45 डिग्री पे अगर मैं इसको फेंकता हूँ यहाँ से हॉरिजॉन्टल से तो ये मैक्सिमम रेंज पे जाएगा। ठीक है, ये तो मुझे एक चीज पता चल गई। अब मुझे एक्चुअल में पूछा गया कि मैक्सिमम रेंज होगी कितनी, तो देखो आर मैक्स जो होगी वो कितनी होगी, वो हो जाएगी यू स्क्वायर, और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1, तो 1 लगती डिवाइडेड बाई जी बराबर यू की वैल्यू क्या है 20, तो 20 का स्क्वायर अपॉन 10, तो ये आ गया 400/10 यानी कि 40 मीटर रेंज होगी मैक्सिमम। ठीक है, समझ में आ गया सवाल। अब भाई लोगों अपना लास्ट सवाल जो है इस वीडियो का वो है अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन इन द एक्स वाई प्लेन इट्स कोऑर्डिनेट एट लेटर टाइम आर √3 × 3। तो बोला गया कि पाथ ऑफ द पार्टिकल मेक्स विद द एक्स एक्सिस एन एंगल ऑफ, मतलब क्या है, मतलब ये है, मैं समझा देता हूँ, है ना। जो बच्चे मैथ्स नहीं पढ़ते ना उनके लिए दिक्कत है, बाकी जिन्होंने मैथ्स पढ़ा हुआ है उनको तो समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर अराउंड 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 60 डिग्री के आसपास ही आना चाहिए, 30 या 60 देखते हैं। टी इज इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल यहाँ है, ठीक है जी, सही बात है। अब टी इज इक्वल्स टू किसी टाइम टी पे √3, 3 पे पहुंच गया और स्ट्रेट लाइन में मूव किया है, भूलना नहीं है बात को कि स्ट्रेट लाइन में मूव करके गया है, मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव करके कहीं यहां पहुंच गया। ठीक है, ये हो गया √3, 3, ठीक है, यहां पहुंच गया। ठीक है जी, अब मुझे क्या बोला गया, मुझे पूछा गया है कि जो पाथ है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, ये थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बनाती है। ठीक, अब यार लाइन की इक्वेशन का जो स्लोप है, लाइन जो है ये क्या है, y = mx है, ये तो समझ में आ रही है। अब मैं यहाँ से कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं इसकी लाइन की इक्वेशन भी लिख सकता हूँ, मैं ये भी बता सकता हूँ कि पार्टिकल कहाँ पे किस टाइम पे है, कि बहुत सारी चीज़ें मैं बता सकता हूँ। ठीक, लेकिन मुझे तो सिर्फ थीटा पूछा गया है, थीटा क्या है, स्लोप। स्लोप कैसे लिखते हैं भैया, स्लोप लिखते हैं dy/dx से लिखते हैं, यही तो होता है स्लोप, तभी डिफ्रेंशिएशन का मतलब स्लोप ही तो होता है, यानी कि ये होता है अपने पास में y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो देखो यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं ओरिजिन पे वो तो 0, 0 है, समझ में आ रहा है ना ये बात, तो आपको कितना है 0, 0। ठीक, और यहाँ पे कितने हैं √3, 3। तो देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो y2 कितना है 3 - y1 कितना है 0 अपॉन x2 कितना है √3 - x1 कितना है 0, तो ये आ गया 3/√3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा √3 times। ठीक है, तो स्लोप कितना आ गया अपने पास में √3। अब स्लोप क्या होता है, स्लोप हम ऑब्वियसली जानते हैं, स्लोप को हम बोलते हैं टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू √3 कहाँ पे होती है, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री पे, ये तो पता होगा ना, बेसिक मैथमेटिक्स है, तो 60 डिग्री होगा इंक्लिनेशन, सो 60 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, तो सी ऑप्शन हो गया अपना करेक्ट आंसर। तो बच्चों यहीं पे खत्म होता है अपना मोशन इन टू डायमेंशन या मोशन इन प्लेन का लेक्चर। आई होप आप लोगों को इन क्वेश्चन से काफी हेल्प मिली है, आप एबल हो पाओगे और भी अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के, तो प्लीज प्रैक्टिस जरूर करते रहें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें, अच्छे से रहें, घर पे रहें, बाहर ना निकलें, स्वस्थ रहें, पढ़ाई करने में व्यस्त रहें। कोई भी डाउट आता है तो डाउटनेट ऐप यूज करें, वहां से आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके अलावा पढ़ते रहें, ढेरों सारे वीडियो, बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी डाउटनेट ऐप पे हैं। आप चाहें तो क्रैश कोर्स जो है फिजिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स और केमिस्ट्री का वो पढ़ सकते हैं, उसके अलावा नीट की जो वीडियो है वो देख सकते हैं, बायोलॉजी की वीडियो देख सकते हैं, और बाकी उसके अलावा मैं फिजिक्स की वीडियोस लेके आता रहूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो उसके लिए मैं गुजारिश करूंगा आप लोगों से, सो प्लीज थोड़ा सा NLM के कॉन्सेप्ट और बेसिक पढ़ के आए, क्योंकि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू जाऊंगा वहां पे। ठीक है, हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है ना कि हम एक बेसिक चीज को बहुत बड़ा करके पढ़ पाए, तो लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। NLM को थोड़ा सा देख के आए कि क्या होता है, कैसे होता है। नेक्स्ट क्लास में NLM जब डिस्कस करेंगे तो इस लेवल पे डिस्कस करेंगे कि नीट का कोई सवाल हमसे रह ना जाए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।